तुमने इसको मार डाला फ्रांसिस, तुमने इसको मार डाला फ्रांसिस। ये आदमी हमारे लिए इंपॉर्टेंट आदमी था। हाँ इंपॉर्टेंट था, अगर मैं उसे न मारता तो वो मुझे मार देता। ओह नो, ब्लडी हेल, फ्रांसिस हाउ कैन यू डू दिस। उसके हाथ में बंदूक, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट आदमी था फ्रांसिस, उसके हाथ में बंदूक क्या करेंगे हम, मार देता। ओह नो, सामान रेडी 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 मतलब रेडी। अरे कब कब देगा? हम अपना आदमी भेजता। आप किधर है? एड्रेस हमारा एड्रेस है होटल रेस्टोरिया। व्हाट? होटल रेस्टोरिया 304। रेस्टोरिया 304। सामान रेडी भेजता। ओके, होटल रेस्टोरिया रूम नंबर 304। बाला से मेरी बात हो गई है, वो होटल में पहुंचने ही वाला है। ठीक है, मैं संभाल लूंगा। कम इन। क्या बात है, कौन है आप लोग? हम बाला का आदमी। बाला क्यों नहीं आया? बाला गया पीछे पुलिस, बाला नहीं आता, बाला हमको भेजा। सामान पहुंच गया? सामान रेडी रेडी, आप पैसा देगा हम सामान दे। क्या? बालाजी हमको बोला पैसा लेके आने का, बालाजी को आज रात को दुबई जाना है तो बालाजी को पैसा मांगता है आज। अभी बाला को बोलो कल दोपहर तक पैसा मिल जाएगा। अभी कल पैसा किधर देगा साहब, हवालात में। बालाजी आज रात को दुबई नहीं गया तो आज रात को वो हवालात में जाता है। लेकिन इतनी रात को मैं पैसों का इंतजाम कहाँ से करूँगा? अभी पैसा नहीं तो माल नहीं छूटेगा साहब। देखो अपने बाला से कह दो, अगर अफजल भाई से धोखा किया तो बहुत पछताएगा। अरे क्या अफजल भाई, अफजल भाई, भाई आप धोखे का किधर बात कर रहा है? आप अफजल भाई को फोन लगाओ, हम बात करेंगे। लेकिन अरे आपका पैसा नहीं जाता ना, हम अफजल भाई से पैसा लेगा। आप बात करो, आप फोन लगाओ। रुक जाओ। हेलो, अफजल खान का फोन है, कहाँ से बोल रहे हैं? जब इतनी दूर तक पहुँच गए हो तो ये खुद ही मालूम कर लो। हेलो, अरे सबसे। हेलो, अरे कहाँ हो तुम? दो दिन से मैं तुम्हारे फोन के इंतजार कर रहा हूँ यार। अब तुम्हारा वो अब्दुल है मुझे घर में बंद करके रखा है यार, बाहर निकलने नहीं देते। अब्दुल को फोन पे बुलाओ। हेलो हेलो अब्दुल, प्लान बदल गया है। तुम अफजल खान को फ्री स्कूल स्ट्रीट पर मूनशाइन होटल है उसके अंदर लेके जाओ, जावेद हैदर के नाम से उसका रूम बुक कराओ। हमें सामान मिल गया है, हम कलकत्ता पहुंच रहे हैं। ठीक है, अब इसका क्या करें? सामान काटते तो हाथ से लेकर बताएगा, हाथ काटते तो बोलेगा। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। रूम सर्विस सर। क्या चाहिए? रूम सर्विस सर। फिलहाल
चेक इन फ्रांसिस, चेक इन। अफजल खान, तुम अफजल खान नहीं हो। ये नाटक कौन करवा रहा है तुमसे? नाटक तो तुम कर रहा है, हमें समझा रहा है कि हम नहीं है। इसके लिए पैसा कौन दे रहा है तुम्हें? पैसा? तुम क्या समझता है ये काम हम पैसा का वास्ते कर रहा है? पुलिस का आदमी है ना, गोली मारेगा या हथकड़ी पहनाएगा? हम तुम्हें हथकड़ी पहनाने नहीं आए, गोली मारेगा। पतवार भी आसान है, चला दो गोली। हम तुम्हें समझाने आए। हमको तुमसे कुछ नहीं समझना है। पुलिस का आदमी है, मुजरिम पकड़ लिया, खत्म कर दो, खलास। तुम्हारे लोगों ने तुम्हें किसी अफजल खान के नाम पर खलास होने के लिए भेज दिया और तुम्हें पता भी नहीं है कि अफजल खान कौन है। तुम इसे अभी अपनी आजादी की लड़ाई कहते हो? हमको तुमसे आजादी का मतलब नहीं समझना है। अब तो समझ लो। किस वास्ते? हाँ, तो क्या समझाएगा तुम? हमको समझाने से पहले उत्तराचल जाओ, जाओ जाकर देखो क्या कर रहा है तुम्हारा फौज। फौज को वहां भेजने पर मजबूर किसने किया? तुमको क्या लगता है भारत सरकार को अचानक एक दिन ख्याल आ गया कि चलो आज फौज को उत्तराचल भेजकर मनमानी की जाए और भारत सरकार ने फौज भेज दी? तो मनमानी नहीं करता तो क्या करता है वो लोग? देखना, लोगों को मार रहा है, औरत कैजत लूट रहा है, घर घर में आग लगाता है, वो लोग शमशान बना के रख दिया सारा मुल्क को। तुम्हारा फौज जो बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं वो लोग हमारे भी उतने ही जितने तुम्हारे हैं। इसीलिए समझना जरूरी है कि ये हालात पैदा कैसे हो रहे हैं। तुम्हारी सरकार वो अमन नहीं चाहती, वो हुकूमत बनाए रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। हमारी सरकार अमन नहीं चाहती है, तुम्हारे नेता मन नहीं चाहते। मतलब ये आजादी के नारे हमेशा बॉर्डर स्टेट से क्यों उठते हैं? यहाँ हथियारों का सप्लाई कहाँ से आता है? बॉर्डर स्टेट्स में हथियार सप्लाई करना आसान है, बॉर्डर स्टेट्स में विदेशियों की घुसपैठ आसान है। और जिसे तुम अपनी आजादी की लड़ाई कह रहे हो, ये लड़ाई विदेशी पैसे से लड़ी जा रही है। और इस लड़ाई में जो नेता बने बैठे हैं तुम लोगों के, वो लोग विदेशियों के हाथों बिक चुके हैं। उनके लिए ये कोई आजादी बाजादी की लड़ाई नहीं है, उनके लिए ये ताकत हथियाने की लड़ाई है। ये लोग मारकाट करवाते हैं, दंगे करवाते हैं, दहशत फैलवाते हैं तुम लोगों के जरिए। तो मान लो तुम्हारे सेठ को आजादी मिल भी गई, तो नेता बनेंगे ये लोग और मारा जाएगा कौन? तुम जैसे लोग जो इसे अपनी आजादी की लड़ाई समझ बैठे हैं। मंसूर, हम बोला ना, हम मंसूर नहीं, अफजल खान हो। मैं जानता हूं तुमको। ये तुमको कहां से मिला? गीता से, वो मुझसे मिली थी, वो तुम्हें बचाना चाहती थी। गीता कहाँ है वो? उसको तुम्हारे लोगों ने मार डाला मंसूर। तुम खलास होने के लिए आए, झूठ बोलता है, और तुम्हारा भी यही असर होगा मेरे को। या तो तुम अपने आप किसी गोली से मर जाओगे या अपना काम खत्म होने के बाद वो लोग तुम्हें मार देंगे। हमको मारना इतना आसान नहीं है। तो ठीक है, अपने लोगों को जाके बोलो कि अब तुम अफजल खान बन के रहने के लिए तैयार नहीं हो, अब तुम ये सब छोड़ रहे हो, जाओ जाके छोड़ेंगे वो लोग तुम्हें।
जाने देंगे? गीता को किसने मारा? मैं अगर कहूं कि शमशेर के ऑर्डर पर उसको मारा गया है, क्या करोगे तुम? शमशेर को हम लोग मार चुके हैं, गीता को मैं नहीं बचा पाया, लेकिन मैं शायद तुम्हें बचा पाऊं। क्यों क्यों बचाना चाहता है तुम हमको? क्योंकि तुम शमशेर नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे मरने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मुझे असली अफजल खान चाहिए। तुम इसे तेजी से लेकर बाहर निकलना होता है, लेकिन तुम जो मैं कह रहा हूं करो। खोल रहा है। अफजल खान के बारे में उसने कुछ नहीं बताया। अभी मंसूर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वेरी ब्रेक, ही इज अ ब्रोकर मैन ऑलरेडी। वो डरा हुआ है, बहुत डरा हुआ है। उसको अगर हम पर विश्वास हो गया तो वो हमें बता देगा। क्यों? क्योंकि उसका अपने लोगों पर से विश्वास उठ चुका है। उसको ये बात समझ में आ गई है कि एक बार अफजल खाना किस्सा ख़त्म हुआ, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। ये बात वो समझ चुका है, तो बहुत डरा हुआ है। वो राजगुरु मथ्यू अब्दुल्ला, इसका फोटोग्राफ तुम्हें जैसे कमरे से मिला था। हाँ, वो अपने सीनियर मिनिस्टर मिस्टर गौसरिया का खास समझता है। यू मीन टू से मिस्टर गौसरिया? पर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मंसूर के बारे में तुमने क्या सोचा? फिलहाल मंसूर के लिए मुझे पूरा प्रोटेक्शन चाहिए। मैं रणजीत दुग्गल से बात कर लेता हूँ, वो उसका इंतजाम कर देते हैं। बिकॉज़ मंसूर्स लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस नवाज। लेकिन तुमने उसे अपने सेंटर में क्यों भेज दिया? वो खतरनाक आदमी, बच्चों के बीच कुछ कर बैठा तो। डोंट थिंक। मैं रणजीत दुग्गल से बात कर लेता हूँ। मेरा रेगुलर कस्टमर हुआ करता था। अच्छा, और मंसूर भी? नहीं, मंसूर तो मेरे यहाँ मैनेजर था, लेकिन बहुत अच्छा आदमी था बेचारा। तुम पता है एक दिन वो अचानक पता नहीं क्यों भाग गया। अच्छा? हाँ, मुझे पूरी से पता चला कि वो यहाँ पर है, तो मैं उससे मिलने के लिए चला आया। अच्छा। तुम्हें मालूम है हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। नवाज, हाँ रिहैब सेंटर जा रहा हूँ मैं, दुग्गल के साथ हूँ, इन इस जीप। ओके, आप कलकत्ते कब आए? मत पूछो पूरी, इंटेलिजेंस का काम इज डॉग्स वर्क। आज कलकत्ते में तो कल दिल्ली में।
आर्मी ज्यादा ठीक था। यू बेट, कम से कम वहां पर 3 साल में एक पोस्टिंग पे तो रहते थे। अभी हाल है कि बंबई, मद्रास, कलकत्ता, दिल्ली, हर मेट्रोपोलिस में एक फ्लैट मेंटेन करना पड़ता है, ऑफ कोर्स ऑन गवर्नमेंट एक्सपेंसेस। यू नो रीमा, शी वर्क्स अंडर मी इन कलकत्ता। तुम एक दूसरे को पहचानते भी हो, है ना? उसी ने बताया था। शी इज अ टेरिबली रोमांटिक वुमन। बाय द वे, शी इज जॉइनिंग अस फॉर लंच। I hope you don't mind it. No, I don't mind. It's fine with me. उसे पिकअप करना होगा। लो, गॉड को मैंने ठंडे दिमाग से, सच्चे दिल से अपना प्रेयर बोल दिया। अब देखते हैं जो मांगा है वो कितने दिन में पूरा होता है। तुम्हें कोई आइडिया है एलिस? 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 क्या मजाक है एलिस? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। आई टोल्ड यू, लॉर्ड के घर में डर नहीं। वैसे तुम करते क्या हो? क्यों? ये खिलौना, मैं खिलौने बेचता हूँ। अच्छा, तुम जिम भी चलाते हो और खिलौने भी बेचते हो? हाँ, वो देखो प्रेयर भी करने लगा। तो तुमने लॉर्ड से क्या क्या मांगा? मैंने? हाँ? मैंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, तुम्हारे लिए मांगा। मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। एक्चुअली क्या है एलिस की, जब मैं प्रेयर कर रहा था ना, तो मेरे दिमाग में थॉट आया, फ्रांसिस तुझे तो शादी के लिए बहुत सारी लड़कियां मिल जाएंगी, लेकिन बेचारी एलिस का क्या होगा? अच्छा, आई सी। हाँ, देखो ना, तुम इस सुनसान जगह, इस वीराने में, इस सेंटर में, भला तुम्हें यहाँ कौन लड़का मिलने वाला है? फ्रांसिस, मुझे ये जगह अच्छा लगता है, एंड मिस्टर पुरी, ही इज अ वेरी नाइस मैन। मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ, आगे पीछे कुछ नहीं है, जो कुछ है इसी जिंदगी में है, सो व्हाई नॉट लीव इट टू द फुल। क्यों रीमा? लेकिन तुम्हारा दोस्त नहीं मानता है, उसके लिए जिंदगी इज अ सीरियस जॉब। अरे भाई, तुम दोनों इतने दिनों के बाद मिले और चुप बैठे हो। तो कब आए तुम? ये खोज गुरु डॉक कल वापस कब लाओगे? अरे भाई, अभी अभी आया है और तुम उसे जाने की बात कर रही हो? हम इज अ बिजी मैन, यू नो। अरे बिजी तो हम भी हैं, लेकिन रिलैक्सेशन भी तो जरूरी है। होम कैन नेवर रिलैक्स। हम तुम कुछ क्यों नहीं कहते? नो, रिलैक्सेशन इज एन आर्ट। I'm a man of science. No boy, this won't do. तुम्हें relaxation की ज़रूरत है. Before you leave for that rehab or whatever you call it, you will have enjoyed better side of life. Reema, how about going to Darjeeling? Puri, अरे तुम हाँ तो कर दो. I will arrange everything. No, I don't think it's possible. कुछ कहने वाले थे, यू डिडंट टेल मी। ये बहुत अच्छा है और हमारा क्लासरूम बहुत अच्छा है, वो मौसम बहुत अच्छा है और वो तुम्हारा थिएटर हॉल भी बहुत अच्छा है और तुम और हम कल भी मिल रहा है ना? हाँ, फ्रांसिस, आई एम वेटिंग। नर्वस लग रहा है यार। Come on, कोशिश तो करो। वैसे मैं नर्वस टाइप का आदमी नहीं हूँ। वैसे क्या ठीक होगा? अच्छा ठीक है। एलिस, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं यहाँ रहने के लिए तैयार हूँ, हमारे 3-4 बच्चे होंगे, हमारा एक टाटा सुमो होगा जिसमें हम बैठकर शाम को रोज घूमने जाया करेंगे और मेरा सपना, मेरी ख्वाहिश, मेरी तमन्ना है, तुम्हें जो भी कुछ कहना जल्दी से कहो, मैं अपना सांस रोकर तुम्हारे फैसले का बेताबी से इंतजार कर रहा हूँ, हाँ या ना? प्लीज मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, आई विल गो एंड चेंज। रीमा, व्हाई डोंट यू मेक अ ड्रिंक फॉर हिम?